जननी महाराज की जय। कृष्ण जय हो। श्री कृष्ण पटेल धन्यवाद। जय बोल। श्याम राम चंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण पटेल जी जय हो। धन्यवाद। सब संतारी जय। भक्त मंडली जय। ओषा। मैं लक्ष्मण राम पटेल, गांव कमुकबड़ा, नियर समदड़ी, जिला बाड़मेर, वर्तमान नवी मुंबई पनवेल रा लक्ष्मण राम पटेल रा समस्त भक्त मंडली ने घना मानसू, घना ऐतसू, घना कूड़सू। समस्त भक्त मंडली ने मारा दंडवत प्रणाम। अभी भक्तों अपर दिल सरिया डेली रोज हमेशा रे हिसाबू सत्संग श्री गणेश करने आपकी इजाजत छू। समस्त भक्त मंडली पधारो। लक्ष्मण राम पटेल फेसबुक लाइव पेज नंबर माते और अपनी सब जना है जो भक्त मंडली मिले ने हरिगुण गाँव। बोल गजानन जी महाराज की जय हो। सा सेना राम जी सोलंकी जय हो। सा भीमा राम जी पटेल, भावेश पटेल, पूरण पटेल जय हो। सा जय हो। भक्तारी जय हो। बाल गोपाल जय हो। तू गजानंद आनंद करू और सुख संपत में सी। राम राम सन भाई राम राम। दुश्मन को सजन तो जिमत जिमावो की। तू पेला किण ने सिमरी और किण राली देना। मात पिता संग्राम जी पटेल जय होशा। धन्य होशा। हाजरी पक्की रे आपरी। मात पिता गुरु अपना तो अलख पुरुष रान। तू मात पिता तू और मिले इन जन्म जन्म रे मारे। गुरु सेवा और बंदगी गजानंद जी महाराज की। गणपति वंदना सत्संग्रे नियम रे अनुसार भगा राम जी पटेल जय हो। सा भगजी पटेल धन्यवाद। सा उमेद राम जी बल्लारी जय हो। उमेद भाई धन्य हो। सा भक्तौरी धन्य हो। सा राम जी बल्लारी भूली फूल बसाया भक्तों ने।
तो दादा हमें जरूर इंग्लिश दे रहा दादा। मारी सुबह में रंग मेरे सामूरी, मारी सुबह में रंग मेरे सामूरी, महाराज विनायक आमो, मारी सुबह में रंग भरे हाँ।
नहीं हो सा आई माता जी का भक्त माता जी का भक्त है थे पर आपने माता जी की मेहरबानी है सा आपने माता आपने समाज और ठाट है थे सा भरपूर कलंबोली बड़े रे माने भजन बोलवाने में जाओ भक्त करने सब मेरी ने बोलो गजानन जी री अरदास वेगी दादा परमिशन ले लियो सत्संग रो और रोम सभा ने फुलड़ा वसाई दिया दादा धन्य हो भक्तों हृदय गदगद वेगी हो
आपरी सहयोग आपरो सपोर्ट हूं सत्संग रे मैंने खूब आपरो है जो योगदान है संतो ये किसी एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता है भक्तो धन्य हो सा आपने बड़े तन मन ती आप है जो मतलब सत्संग रे मैंने भाग ले लिया हो और भी है जो आप रे गुरु प्रेम मैंने यार दोस्तों रमाइने परिवार रमाइने सबने जो आप है जो जोड़े रिया हो धन्य हो सा देखू मैं बहुत आपरी है जो आभारी हूँ मार पड़े शब्द नहीं है कि मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं धन्य हो संतो धन्य हो सा अबे गुरु वंदना गणपति वंदना रे बाद में गुरु वंदना क्यों गुरु महाराज रही है जो गणपति पापा अपने परमिशन दे दियो अबे गुरुदेव रो परमिशन लेना है We'll be right back.
ढोलियो डराया घर पुस्तक अमारी गेरी सफेद ढोलियो डराया गंगल पाया करना करना छोटना हे हर के बदाओ लेना रे हे
पाल तीरे उनमें पग मत धरना गुरु सोमन के दीपार की उनमें पग मत धरना वही नरमन के दीपड़ी हर बजलावा लेना वही निर्मल के दीपड़ी हर बजलावा लेना भगवान की गुरु महिमा वेगी गणपति बापा रो परमिशन ले लियो अपनी सत्संग रे मऊ अपन एनोसी मिल गई दाता रे तरफ हूं अभी गुरु महाराज जी शरण में गया आपो सत्संग भक्त मंडली सब और गुरुदेव रे शरण में जाए ने आपो गुरुदेव हूं आज को इजाजत ले ली अभी अपरी आज को गाड़ी सत्संग री आगे आले क्यों के दादा रे बिना कौम दूर हो तो गुरु रे बिना भी कौम दूर होनो कहीजे होड़मो पीतल भेड़मत कीजे अंधो जी होनी बोलिया है मतलब आपने लास्ट ही शरण एक ही शरण हम जाऊं बाकी रा शरण हम समझ में आई गया वेला होनो कहीजे होड़मो पीतल भेड़मत कीजे अंधो जी होनी बोलिया साहिब साजपति जे होनो कने क्यों है आ थारी कंसर्न जड़ी काया है अन्न होनो क्यों होनो वो नहीं है जो पर टिमणिया करो के वो होनो नहीं है अपर या कंसर्न जड़ी काया आया है होनो कहीजे होड़मो पीतल भेड़बेत कीजे आ जो काया कंसर्न जड़ी काया है अन्न मैंने थू है जो कोई भी प्रकार वो अवगुण है जो मिश्रण मत कर जी अवगुण अन्न मैंने मिश्रण कर दियो तो आ काया है जो मतलब पूरी है जो मैली भेजा होनो कहीजे होड़मो पीतल भेड़बेत कीजे अंधो जी होनी बोलिया तो साहिब साजपति जे जटे तक है जो को भावना मतलब हृदय मैंने जो को भगवान रे पड़ती है जो को मतलब कोई भी प्रकार लाभ ले दुख मास मद वेशिया सोरी हिंसा पर ना सातो ही मार्ग नरक रान कदे नहीं बेवदा कोई क्यों है दूत यानी कि पत्ता खेले जो को दूत कीड़ा दूत मास मद वेशिया सोरी हिंसा पर नार सातो ही मार्ग नरक रान पसे कदे नहीं बेवदार वो कदे नहीं हमलो मारे हरिद्वार में हम बेड़ा भी उन्हें तो बड़े धक्का ही गाड़ा है तो दस दोस्त बताया और कोई तो वे किया है छोरी झारी और जीवतिया छोरी झारी और जीवतिया निंदक मिथ्या कूड़ा बकिया हरक सोस अभिमान दोष ही दस बतलाया रे लेनी गुरु सारी शरण शरण रो अवसर आयो
ये दस दोष बताया है, और दोष दस दोषों में जो को अलग रहना हो सके संसारिक जीवन में हो, और वास्ते है जो को गुरु महाराज बतायो। अबे We'll be right back.
अमोका बड़ा बड़ो बड़ाई ना करे रे बड़ो ना बोले नहीं मन ना करे रे ना कर हमारू मूल कबीरा ना कर हमारू Thank you.
गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी और गोविंद दियो बताए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलने से जे, ऐसा शब्द बोलने से जे भगवान अपने जबान दी दिया, इनमें जहर और अमृत दो ही है इनमें। परमात्मा अपने दो ही चीज दिए, अबे वापरनो क्यों की करे, अपने कोई वापरनो वो परमात्मा निर्भर है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आप हूं शीतल होए। मतलब शीतल यानी कि ठंडो पानी। अगर एक वाणी बोले तो वो आगला ने ऐसा लागन से जगह हा एक वड़े बोले नहीं तो ठीक रहे। कैसी यानी वाणी मीठी है। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, जीबड़ लिया अमृत वसे तो सगड़ा मन हर लेत। कैसी वाणी मीठी कोयल री। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आप शीतल। खुद भी ये जो को बोले पौने जो को एकदम शांतता हूं, क्योंकि शांतिपूर्वक अगर शब्द बोली शांतिपूर्वक जवाब दी तो अगला ने भी शांति रोई जाए जो को मतलब महसूस वेला ने नहीं पसे जो को बढ़ने भी है जो को कड़क जवाब दी तो अगलो अवे अग्नि स्वरूपी जल समानी रहना जानता रहे आगे अनजान वर्ण और चुन चुन वचन लेना। कोई क्यों कबीर दादी आगलो अवे अग्नि स्वरूपी आगलो क्रोधित वे पर कड़ू ही में को आवे तो अपशांत बने रहना। अगलो आवे अग्नि स्वरूपी जल समानी रहना। आगलो अग्नि वे जो लाल बूंद बूढ़ आवे मगर अपी शीतल जल रहे जो ठंडो रहना कोई बात नहीं वरना क्रोध अपर माते असर नहीं बनो सजे जल समानी रहना। जानता रहे आगे अनजान वर्णों और छुन छुन वचन लेना। वो आगलो आदमी अनुभवी है या नहीं है मगर वरना एक एक बात अभी सुन सुन न लेनी और अपन था वेतर थो कभी अपन जो को एकदम के भाई मन दिया उनको बहुत बढ़िया अच्छी बात। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आप। जय हो सा पांचा राम जी चौधरी, जय हो, धन्यवाद सा नवियो। बड़ो बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल है? राम राम सा जय हो सा पांचा राम जी जाट जटे जाट वटे सब बादरा ठाट कानी कमीनी सब परमात्मा री महादेव जी री कृपा। कहवा के जमीओ काम जाटो री ढाणी वटी जाटो ने वटी पानी सब बादरा ठाट है वटे कानी कमी नहीं रहे सब जगह रहे सा सब भक्त रहते रहे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो से। बड़ो बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल। बड़ो आदमी भी वो कदी आपने मुड़ो कदी बड़पन नहीं करे और जो बड़पन करे रही हो तो समझ लो के जयराम जी री खाली आशा बुसेट रहे मैंने उपलो समकावे वो मैं कोई को नहीं। बड़ो बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रही मने हीरा ना कहे लाख हमारो मोल। हीरो वे लाख रुपये रो हवा लाख रो कोई नूर हीरो वे अगर मैंने कास रहा टुकड़ा उनको नौक हो गए तो भी वो अपने मुड़ो यू नहीं कह गया जो को मतलब हमारे हवा लाख की कीमत है वरना गुण बता दे बड़े कास रहे मैंने पुड़ियो पुड़ियो वो समके तो बार वर्ण प्रकाश एक अलग टाइप रो आवे। बड़े कास भी क्यों नहीं समके मगर हीरे चमक तरंग एक अलग ही जावे। तो ऐसे संत की वाणी होती है संतों, ऐसे संतों की शब्द होते हैं। शब्द शब्दा परखी है वको पड़े घरनार, शब्दों से ऐसा परखा जाता है। बड़ो बड़ाई ना करे बड़ो ने बोले बोल, रही मन हीरा ना कहे लाख हमारो मोह। तो बड़ा हुआ तो किया हुआ, अगर मोटो भी वेगी हो तो क्या हुआ। और जैसे पेड़ खजूर अगर बड़ो भी वेने अगर वो वेड़ो बड़ो पो वे तो कोमरो नहीं की कर के कनी अर्थ कदी आवे नहीं जिंदगी में। राम नाम जप आपरो जप आपरी रोटी एटे खीरा देने जय राम जी री है। बड़ा हुआ तो किया हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंच को तो साया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ो तो वे खजूर रो पेड़, अबे वनी नी तो सोया वे नी वनो फल खा सको अभी वो फल खाए तो अतरो ऊंचो वे तो रही को डोंगा श्यार लाई पनपा जोड़ो तो वो फल अपो नी तोड़ी जाए अतरो ऊंचो वे।
तो नी तो फल खा सको और नी अपनी एजो को मतलब कटी रस्ता माते पड़ा खजूर पेड़ अटे वे मार्ग मार्ग जाएगा नो पर स्वयं विश्राम लेवारी कोशिश करो तो बड़ी स्वयं तो ठीक पहुंचे कटी बटे हम कदी व्योम लेवा जानो मन स्वयं माते तंची को तो सया नहीं फल लगे अति दूर वेड़ो बड़ो भी कहूं कोमरो तो ऐसा भी बड़ा काम करने पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई कोई के गीता पढ़ो वेद पढ़ो पुराण पढ़ो शास्त्र पढ़ो सब कुछ पढ़ो बहुत अच्छी बात है पढ़ो उसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा सत्संग जाओ पाठ पूजा यज्ञ हवन जो भी आपरी ओपरे हिंदू धर्म की संस्कृति है वे करो मगर इसके इससे बढ़ के एक और पूजा है पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई और ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हुए ये सब पढ़ी और बादरे में भी अगर प्रेम की भाषा अगर वो नहीं जानता है तो वो निष्फल है प्रेम ढाई अक्षर है सिर्फ मात्र ढाई अक्षर प्रेम आप लेकिन देखो अढ़ाई अक्षर ही जेव है अगर वे प्रेम रा शब्द नहीं समझ सकिया तो वो कोई भले कतरा भी पढ़ो कोई मतलब कोई राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा जद प्राण जाएगा भोला राम जी चौधरी जय होसा एच भोला राम जी चौधरी राजा राम जी का भजन राजा राम जी का भजन जरूर ठीक है सा गुरु में महना हुए हैं गुरु महाराज रो तो भजन पजे तो ऐसी संतों तुलसी तुलसी क्या करे तुलसी बनरी घास मेहर भई रघुनाथरी तो हो गए तुलसीदास तुलसीदास जी अपरिजेड साधारण आदमी था मगर परमात्मा री वणर माते जो को कृपा वेगी जेरे तुलसीदास जी है जो को आज है जो को रामायण ने रचेता है रामायण एडवांस रामायण ने तो लिखी थी वाल्मीकि जी है भड़ा राम जी चौधरी केशव वाल्मीकि जी रामा अवतार व्यवहार पहला लिख दी थी देखो ये सज्जनों ये विशेषता देखो आप वाल्मीकि जी की भगवान रामचंद्र जी रो अवतार भी बेणो तो मनीष पटेल कौंदली रेशु जय होसा जेतु ललित पटेल धन्य होसा रामायण एडवांस रामायण ने लेकिन कोई खबर अपरो जन्म नहीं वो वजटम और अपर पूरी जीवनी लेकिन सौपड़ो लग दियो तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए थे ऐसे ऐसे संत हुए थे जो वाल्मीकि जी भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों में सर्व उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राज्य लाता मर्यादा और पालन करता प्रजा पालन करता है मनीष पटेल कौंदली जय होसा कौंदली सरकार मर मामा सरी वे ममाड़िया वे कौंदली धन्य होसा मामा सरी है अगर मोटा हुआ तो मामा हुआ छोटा हुआ तो भाई हुआ हमारे बेटो धन्य होसा तो ऐसा होता है संतो एडवांस रामायण ने वाल्मीकि लिखी और तुलसीदास जी बाद रामायण ने रामायण लिखी तो ऐसी होती है भगवान जी जीवनी लगनी कोई खबर कम को नहीं तो वो भी महापुरुष थे वे ही अपरि जीवन जो जन्म ली दो तो बने तो ऐसा है संतों अबे आपने मगर आदमी आपने मन ने कंट्रोल करना पड़े संत क्या करते हैं है? संत सबसे पहले आपने मन ने घोड़ा ने कंट्रोल करें मन मारे संसार की चीजों का अंत करते उसी का नाम संत है संसार की चीजों का त्याग आज मेरी जिंदगी की उम्र चार वाले चार भाग रहे मैंने बैठी है पहलो ब्रह्मचारी आश्रम दूजो ग्रस्त आश्रम तीजो वन आश्रम और चौथो संन्यास आश्रम ए 20-20 साल की उम्र एवरेज दीदो है
और चारी है जो भाग दीदा है चारी भाग रही हिसाब को अपन पाठ बराबर हलावा तो अपने कान की तकलीफ नहीं आवे। एक साल 20 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम में बच्चा ने कोई बने जो को गर्गस्थी मतलब ही को नहीं 20 साल 40 साल तक है जो को मतलब वो ग्रस्त आश्रम है बाल बच्चा भेजा है बड़ो भेजा है ब्याह भी जो भेजा है अच्छी बात है संसारिक जीवन में जीवे वर्ण बाद में वन आश्रम आवे 51, 52, 53, 54 ए वन आश्रम और सौतो है जो को संन्यास आश्रम यानी कि मतलब अबे भाई रे मऊ भेड़ो जो को मेमर की दो हमें थो भेजाड़ो करो बस भगवान रो भजन करनो उत्तर अधिकारी तैयार हुआ बाद मैंने धीरे धीरे बनो माते कौन दो गाल देना कि भाई अभी मैं भजन कर तो ऐसा होता है संतो तो मन ने कंट्रोल करना और मन कंट्रोल नहीं वे तो बटे तक कोई को नहीं है तो ये भजन रे मैंने कोई क्यों देखो I'm a bad
जिंदगानी रूपा राम जी काटो दरिया जय होशा सुईली धन्य होशा किसान भाई पटेल मंगलाराम जी भट्ट पटेल धन्यवाद जो बबली बहन पटेल धन्य होशा खून हड़गली खून हड़गली के खून हड़गली कोटा कोई नावे बावड़ो करना तक गोवर नाम दो घना आवे नियर हॉर्स पे हड़गली खून हड़गली बीजो नाम पे तो ये समा कर अड़ी नाम है मुझे करना तक जाओ के जरे नाम लिखना पड़े कटी भी जाओ तो कोई बावड़ो कागज मत नहीं के तक तो पा पहुंच बस में गो ने कनेक्टर टिकट वाला आवे के की जगह टिकट दो तो का से भागो मुंडो पाल लो पड़े है सब्जी लेवा जो नींबू की दुकान माते जाने के भाई खरबूजा कौन भाग दीदा है के बात दिखे कोनी के भाई नंबर बदलूड़ा तो के नंबर बदलाओ पाए खरबूजा कोनी के ए नींबू है पट पा
खंडर साया धूप के माया जनड़ा हो जीवड़ा धूप के माया जनड़ा झूठक पट पा खंडर साया रे धूप के माया जनड़ा हो जीवड़ा धूप के माया जनड़ा मेवाड़ी भाषा का शब्द उपयोग हुआ ने गुरु महाराज वो भजन है जो बहुत ही है जो को सुनाया था तो कहवे के भजले नी राम भजन रा वो मनवा करे नी राम आपने मन ने क्यों है कर ले नी राम भजन रा मन रा कर ले नी राम भजन रा हे मन मन तेरे हरियम हरियम बोल तेरे क्या लगेला मोल क्या लगेला मोल तेरा क्या लगेला मोल मन हरियम हरियम बोल तेरा क्या लगेला आप मन नहीं समझे
जरमण मन ने समझावे वो मंदड़ा कर ले नी राम भजनड़ा। और कोई क्यों है खेल कूद के मायने बावड़ा, शंकर भाई पटेल जय होशा, खेल कूद के मायने बावड़ा बीत गया बचपनड़ा, है कि नहीं। बस पंद्रह महीने पंद्रह बीस सालों पर निकले, ये साल लगाए जन्म लगाए ने पंद्रह साल निकले जाड़े तो वा तो एक जिंदगी जी जिंदगी है। बचपन हर आदमी आपरे बचपन ने याद करे कि आहा केड़ा रमता ने केड़ा है जो को मतलब देखो आनंद ही आनंद है, तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल मोगी चीज मिले कह जो कोई हाजिर आतरे हजूर माँ बाप लाई ने दे। खेल कूद के मायने बावड़ा बीत गया बचपन रा, तृण अवस्था त्रिया मन मोयो और मौज किया यौवन का, बचपन गियो और तृण यानी कि मोटिया तृण गो पर्यावासी शब्द मोटियार रो और परिदेशी भाषा में सीधा मोटियार गो। तृण अवस्था त्रिया मन मोयो, त्रिया यानी कि औरत, तृण अवस्था त्रिया मन मोयो है घर स्त्री मैंने गियो वो और घर संसार मैंने जो एडो लिप्त हुए गियो के बस बने तो कुछ भी नहीं दिखे जाए, यहां तक कि एक माँ बाप भी मम्मी पापा भी भूल गया है। आज ना युवा टीम राजस्थान जय होशा धन्य होशा, शंकर आज ना समस्त टीम ने मारा दंडवत प्रणाम, लक्ष्मण राम पटेल रा और समस्त अपनी भक्त मंडली रा आपरो स्वागत है सर। तृण अवस्था त्रिया मन मोयो, मौज किया यौवन का, तो ऐसी होती है उम्र जाए जो को ठही नहीं पड़े, मौज किया यौवन का। अबे और क्यों है धीरे धीरे बीता जावे जिंदगानी का दंदड़ा, जय होशा। धीरे धीरे बीता जावे जिंदगानी का दंडरा, धीरे 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 अपर ये जिंदगी रदन जाए जियो आप अंजलि मैंने हाथ रे मैंने पानी लो और पानी कतरो भी काटो पकड़ने रखो तो धीरे धीरे बूंद 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 करे पानी पड़ो जाए थेम थेम गल यानी कि बूंद बूंद जातो रहे। धीरे धीरे बीतिया जावे जिंदगानी का दिंदड़ा, वृद्ध अवस्था सुख्यो रूंगड़ो और जर जावेला थारा पतड़ा। वृद्ध अवस्था यानी कि बुढ़ापो आई गयो, माता में बाल धोड़ा वेग्या, ये देखो प्लेटफॉर्म साफ स्टील भगुला टूडा वेजो मातो वेगो अवकार ढपणिया वेगा, शुक्र करो परमात्मा रो जो एक नोटिस भेजियो रो दो नोटिस भेजिया रा तीजो नोटिस आयो वंदन भजन ही बोलना बंद भई बंद यो भई के मुंडार मु दौत पड़ियो बादरे में ने जो हवल निकल जाए जरे कहो तो राम राम ने आई मरा मरा हसकी मुंडो होड़ती नहीं एक बजे वृद्ध अवस्था सुख्यो रूंकड़ो यानी कि ओपर शरीर रूंकड़ो हो जो रूंकड़ो अने शरीर ने क्यों है जड़ जावेला थारा पतड़ा यानी कि थारो खून उड़ियो और बादरे में ने पसे थारे कौन है मुंडा रे हल पड़गा सोमड़ो लटक गो शरीर रो गुंडपो वृद्ध अवस्था। सजनो बहुत तीन अवस्था या बचपनरी किशोरी अवस्था री और बुढ़ापा री जिन मन सबसे खतरनाक बुढ़ापा री कटे भी अभी डोगरो पड़े जो के जरे डोगरा कौन के रमेश भाई जाट कामोटा धन्य होशा के की करे बा तो के भाई ठीक ही जे के ठीक ही जे यूं की कर ठीक ही जे वो यूं की करायो तो के भाई बूढ़ा पर कौन टाइम कड़ी मोगियो तो हमें हाल बुरा है हमें तो ईश्वर हार भी करे तो ठीक है यानी कि सज्जनों बचपन में और किशोरी अवस्था में मैंने जो जीवन का आनंद और ईश्वर की भक्ति करना है वो कर लो। वृद्ध अवस्था के अंदर आप कुछ नहीं पर आदि ने सपने सुख नहीं पर आदि ने भेजा है पानी और लोटो भी अगर आते उठने बनो नहीं ले भेजे वरने वास्ते भी बनने रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि सौरभ थोड़ को पानी और लोटो लेना है जो छोरा बेटा लोम भाई जाए ले ए छोरा की सलम साफी लाइन दे छोरा आगे आटे तेती करे मोटो ने कह तो कही थोड़ी बोले बोले थोड़ी देर मैंने काम करवा दो हेंग दिन थोड़ा तो हुई सलम ने साफी वागे राम जी चौधरी जय होशा।
वृद्ध अवस्था पराधीन होता है संतो, पराधीन सबसे मुश्किल है। ईश्वर भजन करो सब कुछ ठीक भी जाए। हैं सुरेश चौधरी जय हो सा। अबे देखो तीजो शरण बहुत महत्वपूर्ण वे जो अपरमा तो लागू वेरियो है। देखो भजन गावनो और भजन हुनो जरूरी नहीं है, हे गावो नहीं तो आगलू हुने कोनी ने, हुने नहीं तो गावे कोनी, वो सब माना मैंने, लेकिन भजन गावनो और हुनना कर तो भी भजन ने समझना बहुत जरूरी है। ये मेन पॉइंट है, इसके नीचे अंडरलाइन करके रखो आप जिंदगी में, भजन गावनो और भजन हुनो अण कर तो भी भजन ने समझनो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है। जब तक भजन को नहीं समझोगे तब तक अपने को उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान रो भंडार है भजन। दूध में घी वे है, दूध में घी वे मक्खन वे, मगर मैंने अगर मंथन नहीं करोला, दूध रो गर्म करने दही नहीं बनावो, दही को मंथन नहीं करोला और बटे तक है जो को बनो आज को मतलब घी नहीं निकले। तो ज्ञान भी संतों गहरा ज्ञान होता है, उसका मंथन करोगे मनन करोगे तो ज्ञान अपने आप ही अपने उपज होता है अंदर की आत्मा से। ये आप करके देखो अपने जीवन के अंदर, आप 10 ज्ञान की बात हृदय में उतारो तो आपने 15 बात ऑटोमेटिक निकल जाए, 10 आपरी और 5 आपरी हृदय में और भी एक्स्ट्रा निकलेगा, क्योंकि वरना आपने अनुभव बेतो जाए वरने कोई के अनुभव। अनुभव अगर घोर अंधेरा है। अभी क्यों झूठ कपट पाखंड रसायन खूब कमाया धनड़ा। देखो भजन ने आप यू मत समझो कि मतलब है देखो एक तोता तोड़ने में बैठा, नहीं मेरे बंदे सत्संग अपनी सत्संग का मकसद ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग का सज्जन लाभ लेवे और ज्यादा ज्यादा अन सत्संग रो है जो को मतलब अनुभव लेवे और ज्यादा ज्यादा आपकी जिंदगी में वरना शब्दों का उपयोग कर सके और आपकी जीवनी में बहुत कुछ सहारो मिले। जिंदगी में जीवा रहे वास्ते ज्ञान रो सहारो अनिवार्य है, नहीं आदमी भटक जाए मार्ग दिशा करे। नहीं अगर अपने ज्ञान वे अनुभव वे तो वर्णो कैडी भी आपत्ति स्थिति वे आपातकाल वे तो भी वर्णो वो धीरे धीरे वर्ण ज्ञान रे जरिए वर्णो निवारण कर दे। धीरे धीरे चल रहे मनान धीरे सब कुछ होए। माली सी से सौगड़ा मोहन भाई राम राम, माली सी से सौगड़ा तो ऋतु आए फल होए। ज्ञान ऐसा झूठ कपट पाखंड रसाया खूब कमाया धनड़ा भी हंग बेड़ा मुई बेड़ो करे, क्योंकि कूड़ बना व्यापार नहीं धूड़ बना धड़ो नहीं। झूठ कपट पाखंड रसाया हवा रो दुकान खोलो जड़े झूठ बोलने चालू करो जो कमाल हुआ जड़े भी अपने झूठी जे पर हमें मजबूरी है करना पड़े। मगर सज्जनों ऐसा भी नहीं है आटारे में लून नोपना बाकी है जो लून नहीं रोटी बट कदी नहीं बने। ज्यादा लोभ और लालच रे मैंने धन ज्यादा लालच रे मैंने कदी भी कभी किसी का सूरी वानी है सूरी कलमरी कदी नहीं फेरने। आटार में लून नौकनो अगर लून नहीं नौको तो रोटी कॉमरी को नहीं है माना मैं, क्योंकि संसारिक जीवन में बैठा हूं अपने घर संसार अलावनो है और खर्चा अलावना है और घर को सब कुछ करना है, मगर वरने अलावा भी हैंग है जो को मारी सीजे सब हैंग मारी सीजे। झूठ कपट पाखंड रसाया खूब कमाया धनड़ा और धन दौलत थारा धरिया रेसा छी संग नहीं साले तेरा तनड़ा। देखो कतरी अच्छी बात बताइए, झूठ कपड़ पाखंड रसाया खूब कमाया धन धन और दौलत धरिया यानी कि थारा एटीज पड़िया रही तू अन्नम तो जावे दे संगने से लेते रह तनड़ा यानी कि शरीर थारो शरीर भी एटीज पड़िया रही तू क्या को मारो मारो है वो शरीर भी थने तो छोड़े थारो कोई है थारो तो कोई को नहीं। अरे थारो तो नॉम भी नहीं है शरीर छोड़ थारो नॉम भी नहीं है। आदमी खत्म बेतो इन मनो नॉम करो बंद कर दे कौन ऐसा फलौन जी मजुआर बाद में मैंने कहूँ क्या तो लाश के कह बॉडी के नॉम वटीज रह जाए। कोई आदमी कॉलर टाइट करवा वास्ते जिंदगी भर नॉम करवा वास्ते मारो नॉम कर दू मैं नॉम अच्छी बात है नो प्रॉब्लम, मगर नॉम एडो कॉम में करनो जो मतलब जल जाए फुलड़ा रह जाए वासना अमर सत्य और राम नाम करना है तो ऐसा राजा राम जी बात से नॉम करने किया वे नॉम मिटे को कदी नहीं मिटे है।
विश्वपाल पटेल, जय होशा सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, जय होशा सिकंदर साहेब, हैं? धन दौलत ये सब नाम ठोम सब अटीच पड़िया है, कुछ भी साथ नहीं आले। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, बंद मुट्ठी आया और खाली हाथ जाएगा, कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं है। अब बाकी तो ध्यान नहीं, तो मगर अने कोरोना लोगों ने 80% लोगों ने हिका दिया है। सेत सके तो सेत बंदा घंटी लाल लिबाजी जो सेतन है जो हम जी हो दीन दुखी की सेवा कर ले सुग्रत कमड़ा अटकी ना भवर भी से तेरी तो भजले दस बोल श्यामर राम चंद्र भगवान की।
धन्य हो जा भूया सरकार। कैसी एक सत्संगी महिमा है, है? नाम रे दीदी अतो अच्छो खुरी से सबोरे आते भेजियो है के देखते ही नहीं जो बाहरी बार मुस्कान आ जाए चेहरा माते ये देखो एकदम है तेज आ जाए मगर समस्त ऑफिस का भैया हो तो अभी एक दूजा ने बहुत कम जमा दे होता हूँ मगर ये सत्संग की महिमा है धन्य हो है?
रामचंद्र भगवान की। सेत सेत नर सेत दिन बीता जावे और जो बीता जावे वे पाचा कदे नहीं आवे है, आवे को वे पाचा नहीं आवे। सेत सेत नर सेत दिन बीता जावे, जो बीता जावे वे पाचा नहीं आवे। नर सेत सके तो सेत, ए मानव तू देखे रियो कि अगर कोई भी कौम है जो को पछे पो करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कोई क्यों है काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, हमीज सुग्रत काम बढ़ने वास्ते विलंब नहीं, टाइम नहीं, देर नहीं। सेत सेत नर सेत दिन बीता जावे और जो बीता जावे वे पाचा कदे नहीं आवे। जय हो गणेश भाई भूरिया सरकार, जय हो सा। बीता जावे जो पाचा कदे नहीं आवे, नर सेत सके तो सेत दिन बीता जावे। मानुष तन थारो दिन है उगो, कोई क्यों संत महात्मा महापुरुष, मानुष तन थारो दिन है उगो और जेज करो मती बीरा उगो रे पुगो। वो मानुष तन थाने मळ्यो है ओ एको घड़ी पलक रो मेड़ो है बीरा, अने देर मत कर जी अन्नो तू बुढ़ा पो बेबारी आज मत राख जे भाई बुढ़ा पहुंचे भजन करो, बुढ़ा कौंटा वो कनी वो कन्ने पतो गारंटी है कौन है। राजा राम जी बाप से कहने गया का अरे आखिर मरनो रे सवरियार सुमरे टणनो रे आखिर मरनो रे, कियो कि नहीं कियो। जनो जन्म बुआई बनी मरती हुआ अटल सत्य है तो फिर देर किस बात की। टिकट ऑपर जेब में देने में लिया है परमात्मा, जन टाइम ऑपर जन्म हुओ गए हमें आजकल को मैं देशा जाऊँ अटू अटू बम्बू आप पास मारवाड़ जाऊंगे जे रिटर्न टिकट जेब में गाले दे जाऊँ के पाचा हो रहा हम कह के पाचा हो रहा हम आवारी दिक्कत नहीं वे। भागर राम जी देवासी नवगर दय हो धन्य हो सा। सुरेश भाई देवासी नवगर चेतना जय होशा धन्य होशा। अभी जो जा रहे हैं जो टिकट लेने जाओ के पाचा हो रहा हम तो बस ठीक उसी की भांति परमात्मा अपन ने जो भेजिया है संसार में मानुष तंद्र में ने टिकट अपन ने देने मिल जाए पर परमात्मा भी था है उन्होंने के मैं ने जो इंसान बनाए हुए मगर इंसान भी इतनी होशियारी करी, इतनी होशियारी करी जो को मारो नाम लेने भूल जाई अण वास्ते है जो को बनी तारीख गुप्त राख दी। वक्ता राम जी प्रजापत जय हो सा। वर्णी टिकट ऑपी कोतरो भी पासवर्ड है घुमाओ मगर वर्णी वो पासवर्ड वो नहीं खुले। मोबाइल ऑपर हाथ में मन में सब सुविधा है नेट एन फैट एन सब कह जो को हैंगे मगर वो पासवर्ड नहीं खुले। बटे तक हमने कोई कोम ऑपर नहीं वे तो बस इसी प्रकार अपने टिकट देने में लिया है टिकट रे में तारीख भी गाली है मगर वो पासवर्ड ऑपर नहीं खले। वो पासवर्ड परमात्मा रे हाथ में बस वर्णो एक ही इलाज है एक ही उपाय है कि भगवान रो सुमिरण करो हरिगुण गावो। गृहस्थ आश्रम में रह के भी संतो भक्ति कर सकते हैं ये जरूरी को नहीं है। कोई कहवा क्या तो महाराज रखो मैं नहीं मेरे बंदा ये कभी भी भूल ऐसा कभी न करना। महाराज तो करीजे कोई बात नहीं, साधु संत करीजे कोई बात नहीं मगर घर गृहस्थ में भी आप है जो को भगवान की भक्ति करो वर्णा जारी कोई भक्ति नहीं है। अनेक संत अड़ा हुआ है अनेक साधु एड़ी भी है जो गृहस्थिर मेरे ने आप गृहस्थिर पालन करने भी भगवान रो सुमरण की दो तो क्यों अपनी नहीं कर सको कौन बड़ो बराबर अपनी नहीं कर सको। वे संत महात्मा है मगर वे अपन रस्तो बताने ज्ञान वास्ते रस्ता माते हाल जो बता की है जो कहीं बराबरी तो अपनी नहीं कर सको मगर अपर जीवन रो जो उदार तो आज अपर कम कम अपर जीवन रो उदार तो कर सको बीजे तो छोड़ो थे मगर अपर जीवन तो उबार सको नहीं उसके लिए ईश्वर का सुमिरण। मानुष तन थारो उगो जेज करो मती उगो पुगो थारो वो खाली रेसी खेत अगर ईश्वर रो नाम नहीं लीधो है। राम नाम भजियो नहीं कियो ने हरी सू हेत अब पीछे ताया क्या हुए थारो सीढ़िया सूख गई खेत यानी कि समय अपर निकल गए तो खेत खाली रह जाए। तो ऐसे संत महात्मा रही है जो को एक एक शब्द है जो अपर है मनुष्य दे परमात्मा का है धन्य हो साहेब सही फरमायो पावनो आपने। वागा राम जी।
कमेंट आप पढ़ो, आपने जो कौन बहुत कुछ है जो कौन मैंने आपने एक शब्द मगर मैंने उत्तर अनेक है, है? तो ऐसे होती है संतो भक्ति परमात्मा की ईश्वर की। सत्संग भजन जागरण मनोरंजन के तौर पे आप कभी उस नजरिया से मत देखना। अगर उस नजरिया से देखेंगे और वो चीज आप करेंगे तो वृंदावन तो जो गणपति वृंदावन तो जो ला गणपति और बन जाएला मारुति, समझिए आप, वृंदावन तो जो गणपति ने बन जाए मारुति, यानी कि आप करवाने कुछ और किया हो और वे क्यों कुछ और, क्योंकि आप सत्संग में जाके भटक गए हैं। आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह वगैरह शो एंड शो इस प्रकार की इस नजरिया से आप देखते हैं, उस नजरिया से होता है और वो जो मनोरंजन होता है सत्संग नहीं होती है। साधु की सत्संग में आप जाओ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साधु के सत्संग में। संगत कीजिए साध की नई नुगरा से काम नुगरो लगावे नारगी संत मिलावे राम। अगर राम मिलनो है परमात्मा मिलनो है तो संत की शरण में गया सभा अपन नहीं मिले। मनोरंजन वाली है जो ऑर्केस्ट्रा में गया तो अपन बटे कोई नहीं मिलेगा, बटे सिर्फ मनोरंजन ही मिलेगा। बोले श्यामल राम चंद्र भगवान की। तो को समझने आदमी ने हालनो परमात्मा है जो गुरु महाराज है को क्यों है अब कोई भी काम करो तो बहुत हो समझने अपन एक बड़ा हर कमरे में एक बड़ा ऊपर ही ज्ञान रो प्रकाश धोके ने पसे बड़ काम रो को आगे के वो अभी काम करवाने दे तो सही है कि नहीं है और अन काम रो परिणाम को निकलेला उन्हें बाद में मैंने बताऊं तो लागे उचित तो करना, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है संतो। वो मन है जो वो मन लाभी मन लालची मन संचल मन शोर मन रे मते नहीं जान दो पलक पलक मन और मन के पीछे कभी मन मन के लारे हार है मन रे जीतिया जीत कह तो कभी सुर पे साधो तो मन है। तो हर बात से जो कुछ काम करो तो जो ही विचार ये कर लो तो ये भजन ने मैंने क्यों है। अरे तुम्हारा
बहुत अच्छा बजनी है गाना राम भी।
भजन नीचो अनुवाद से लीधो है क्यों को भजन ऊपर ज्यादा जाए और नंबर दो मैंने आना शब्द है जो को अन्य ताल में लिपको दी नहीं बैठी चुके अनुवाद से धीमी गति से मैंने और निश्चा दूर माते लीधो है मदन भाई पटेल जय हो जा क्योंकि अन शब्द है अन भजन में मैंने एक एक शब्द है अपन जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीख मिले ध्यान दो सज्जनों सत्संग में आके बस यही चीज अपने को सीखने को मिलती है जाना राम जी सुधा जय हो सा धन्यवाद जाना भाई जय हो सा नामराज जी लक्ष्मण भाई पटेल धन्य हो सा भरत आंजना कड़बी समझड़ी जय हो सा जय हो धन्यवाद भगवान की बोलो राजेश्वर भगवान बोलो वृंदावन महाराज की भजन में मैंने कतरी अच्छी बात है जो को महापुरुष कहने गया है जोए जोए ने पगला धरजो मारा हसला रे हे मानव जोए विचारी ने पग आगे धरजो पहला हो जो और पसे आगे कदम धरजो ताकि थोड़ी जिंदगी रे मैंने कभी भी कोई समस्या नहीं आवे ऊंडा सागर रो हंसा संगड़ो नहीं करनो समुंदर वे तालाब वे गहरो पानी वे ऊंडा सागर रो हंसा संगड़ो नहीं करनो रे पाड़ी बे ने पग धोना अर्थात कोई तो भी अनटाइप रो कोई अवगुणी आदमी वे केवल नो अर्थ है तो वर्णो हंगो मती कर दो अगर वर्णो हंगो की दो तो मुड़ो तो जाई जाए सोटी वाला नहीं लेने जाए मोडो तो डूबने जे क्यों मैंने पकड़े कौन कान ऊंचो लेनो है हंसराज जी पटेल जय हो सा आसन सरकार जय हो सा मोतीलाल जी एडो हंगो नहीं करनो जो मोडो तो जाई जाई छोटी वाला लेने अगर कोई गलत हंगो वेगियो ज्ञान बड़े गुणवान के संगत ध्यान बड़े तप से संकीना मोह बड़े परिवार की संगत और लोभ बड़े धन में से तदिया क्रोध बड़े नर मुडेरी संगत काम बड़े तिरिया संकीना बुद्धि और विवेक विचार कवि दीन के सजन संकीना आ बड़वारी बात और घटवारी
ज्ञान घटे नर मुड़े री संगत ध्यान घटे बिन धीरे बुलाया। शोष मिटे कोई साधु के संगत रोग मिटे कोई औषधि खाया। मान घटे मुख से मांगिया भाव घटे परगर जाया। देह का दंड तो जद ही मिटे कवि सुंदर कहे हरि गुण गाया। देह यानी कि शरीर अन शरीर मध्य हजारों प्रकार भ्रम विकार भरी उड़ाए। वर्णो निवारण करवा वास्ते सत्संग रूपी आ नावे अन जो को सत्संग में जाने हरि गुण गावो अपर कायर कल्याण में जाए। तो एड़ा आदमी रो हंगो नहीं करनो जो अपन है जो को ले डूबे। कोई कोई कहवे नहीं के फलोना आदमी आ रही हो तो कह रहे आदमी तो बहुत अच्छो तो पण यार एने हंगो गलत आदमी रो कर दियो। हीराराम पटेल जय होसा, हंसराज जी चौधरी जय होसा, आदमी सही है तो पण हंगो गलत वेगो होंगार कारण वो संगत डूबो परो। तो महापुरुष क्यों है जो ये विसारी ने पगला धरजो मारा हंसला। और क्यों है ऊंचा तरवर रो हंसा संगड़ो नहीं करनो, नीचे पड़ी वड़ा फल खावना कह के मोटारे हाथ नहीं गाड़नो क्यों का फूकी जो कोनी है कि नहीं। नीचे पड़ी वड़ा फल गावना अर्थात अपने जो परमात्मा दीदा है जो बस वर्ण में संतुष्ट भेजाना। पहला रो कदी कोई देवना नहीं अपने के वर्णे को वतरी बिल्डिंग अमड़ाई पीने हवेली वर्णी ने कार वणी पीने वे वणो रे वे आए विज्ञान ने वे अमुक ने दमुक वे गया वणो री कंपनी ने वणो री फैक्ट्री अच्छी बात है। वणो रे भाग्यो रो वणो पूर्वला भव रो जन्म रो वैठियोड़ो अजन वासे वणो ने मिले हैं। नाना राम जी पटेल जय होसा, परायो कदी नहीं देखणो अपन अपर खुदरो देखणो जो अपन परमात्मा जो दे वणे मैंने संतुष्ट वे जानो। ऊंचा तरवर अंसा संगड़ो नहीं करनो, नीचे पड़ी वड़ा फल खाना अर्थात यानी कि मतलब अपने जो परमात्मा अपरी मेहनत रो फल दे रिया है के वो फल खाई लेनो। ऊंचा पेड़ रो वर्णो हजुको वणोरी देखा से कि दी तो पछे हजुको देखा से कि साजे जो पराई नारी रो अंसा संगड़ो नहीं करनो, पत्रे पंसो में नहीं खोवना। दरावरी जरूरत कुने आप समझ गया, समझदार नहीं सारो कापी बिया करे अणु धके ज्यादा कहवारी जरूरत को तरही नारी रो हंसा संगड़ो नहीं करनो, पत्रे पंसो में नहीं खोवना। कहत कबीर सुनो रे भाई संतो भक्ति रे मार्ग हालो मारा वीरा रे। हे मानव तू भक्ति रे रस्ते हाल दे जो को थारी नैया पार वे जाई। अशोक पटेल जय होसा, धन्य हो। तो ऐसो महापुरुष अपने कहने क्या है ऐसी बात है जो को भगवान है जो को मतलब गुरु महाराज संत महात्मा जो को अपने महापुरुष है जो को बताइए आदमी ने हमेशा है जो को मतलब मधुरता रेणी से जे शांत दिमाग रेणो से जे लालसा ही नहीं रेणी से जे करो धंधा में मेहनत करो अच्छी बात है। मगर अति अभी गहराई में कदी जावारी कोशिश नहीं करनी, नहीं है दलदल में फंसे और बाद में निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। सबके साथ में हिलमिल के रहो, सबके साथ में मधुरता से रहो, दे उसका भला ना दे उसका भला कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच वाणी मीठी रेणी। वाणी मीठी है तो आदमी कोई भी कह के यार देखे अरे यार वो तो बोले जो कोई देखो देखो स्मेल बात करी जो कोई देखो कतरो मतलब ही हो मतलब। तो बात और मान क्यों है भजनों में बहुत कुछ सीखने मिले। ये भजन बहुत कम लोग है जो को मतलब बहुत कम क्यों क्योंकि जो राग प्यासी वाला वे सुर प्यासी वाला वे कंठ प्यासी वाला वे उन्होंने बजे है मगर शब्द प्यासी है उन्होंने ये भजन अपर है मोकन मोकन खानो है सा छोड़ देनी है सा ने अपर नहीं खानी है। तो मोकन सत्संग में मैंने वो शब्द
छोर मापू छोर बतायो हेमराज चौधरी मोदीसरा धन्य होटा हेमनी खडूस के वाडा देवो धन्य गौरव नामे साडो रे हेमराज मोदीसरा वाला धन्यवाद है हेमजी हेमराज धुनिया भक्त मंडली री ऊर्जा आप प्रेरणा मिले और आप रो सपोर्ट मार सदन में धन्य होता धन्य हो आपने हमारे पास शब्द दिए मैं कोई नहीं नदी किनारे हो रोग
Thank you.
परमात्मा का नाम मुनो तो बजे आ तो राम नाम की ड्यूटी है इनमें तो आनंद ही आनंद है। माँ पुरुषारा बताएड़ा सब देता है और फिर उछल करेगी और फिर सब जना मिल जाएंगे तो आनंद और उत्साह और उल्लास अगर आप भी सुनो और मैं भी सुनाऊ तो भक्त मंडी आनंदित भी जाए विमोर भी जाए भाव बहुत विमोर है। संत महात्मा महापुरुष है देखो वे भी है देखो आज है देखो हो सभी के धन्य हो जो मत भक्त मंडली ने जो मैं शब्द जीने किया वन शब्दों में देखो वे आज भी है देखो गुणगान करे और अपने हृदय में उतारे ने अपने जीवन में मैंने बसा राम जी चौधरी जय हो सा जय हो हरे
दिन गड़ी दिन बाग धन्य हो जो भजन है जो को जने लिखी हो परमात्मा गुरुदेव संत महात्मा है जो को लिखिया शब्द है जो को एक है। भजन पूर्व करवर इच्छा भी नहीं वेरी है, ऐसी सुरोरी मधुरता दीदी है और ऐसा है जो को शब्द वर्ण मैंने जो कतिया है जो मतलब वो इच्छा वे के बस शब्दों ने प्रकट करते ही रहो और शब्दों उच्चारण करते ही रहो भाव विभोर इन वास्ते इन भजन ने धीमी गति रे मैंने भी ये जो को महापुरुष है जो को लीदोड़ो है ताकि ये जो को छजन और भजन ने समझ सके। हस हस मीठो जग में बोलनो फिर मिलोला ना है दोबारा मानुष तन नहीं मिले ओ मिलो पासो अपन ने नहीं मिले कौटा कटे जाओ आपो किन जगह जाओ पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए आ सब अपने शरीर माते कीड़ो है पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए है अब के बिछड़िया ना मिलो तो दूर पड़वाला जाए जो पत्तो टूटे ने डाला मतो है जो को पड़े जो ही हवारो झोको लागे और पत्तो उड़े ने जाए वो पत्तो पासो है जो को पण पेड़ रे माते नहीं आवे आवे कौन नहीं आवे तो ठीक भड़ी भाती जितेंद्र शर्मा गणेश भाई पटेल अपो अन परिवार मैंने जन्म लीधो है पत्तो बस यही है पत्ता टूटा डाल से यानी कि अपीजन परिवार मैंने जन्म लीधो है एक बार अन परिवार जुदाई भेगी पाछो अन परिवार में अपर मानुष तन अपने नहीं मिले अन वास्ते हस हस मीठो बोलनो जग में दूर है फिर मिलोला नाई हे मानव पाछा दोबारा मिलवारा नहीं हो पेड़ एक डाला घना और पंछी बैठा आए झाड़ एक है और वन माते डाला अनेक है और वन माते पंछी बैठा आए प्राणी पक्षी कौवा मोती जो भी है जो को तमाम पंखेरु है जो को वन माते आई ने बे सोमरा क्यों सूर्यास्त हुआ बाद में मैंने जो को पंखेरु कटी भी है जो को आपरी स्थान जगह नहीं छोड़े आजकल अपरी है जो को मतलब सीमाओं पर छोड़ो बाकी प्राण पंखे रू है जो को एक कदी आपकी सीमा नहीं छोड़े है। जोरावर सिंह जी जय हो सा धन्य हो ठाकुर साहब है। दलपत सिंह जी गणपत सिंह जी जय हो सा ससमा लागुड़ा करी कोई शब्द मैंने कोई गलती हूं नाम गलत बोली जाए तो माफ कर दो क्षमा कर दे दो है। बंसीलाल जी भाटी धन्य हो बंसी भाई इंतजार तो मैं क्यों भाई आयो भाई पर माते में निकलो भाई तो इठा को नहीं कौन था मैं क्यों वही किशोरो कमेंट आया मैं क्यों बंसी भाई आज क्रिया पा गया पूरा धन्य हो सा भक्तों इंतजार रहे आप रो सब सजनो रो कैसे सत्संग है मारा मणिया वे गया आप मारी नजर एनी स्क्रीन मात रहे जो छजन के मारे भक्त मंडली रा मारा गुरु भाई मारे बंधु मारे सखा तमेव माता तुमेव पिता तुमेव बंधु ससगा तुमेव विद्या धनी तुमेव सर्व मम दे दे सब कुछ आप ही हो परमात्मा। सत्संग की मंडली के आप सबके आपके बिना जीवन अधूरा है आपके बिना सत्संग अधूरी है संतों तृष्णा रे के भक्तगण हेंग जना है जिनको सत्संग में पधारे और सत्संग में लाभ लेवे कारण वह संसारिक जीवन में बैठा हो अण वास्ते है जो को मानो है जो को करनी पड़ी है जो को। हाँ वंशी भाई ठीक है बराबर समझिए सा धन्यवाद कोई बात नहीं क्योंकि संसारिक जीवन में बैठा हो वंशी भाई सही बात है कोई कारण लेट भी जाए अपने कटी जानो ही पड़े अनिवार्य भी है मानो आप मगर एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध अगर एक 10 मिनट की सत्संग में अगर अपी अगर समय ले लियो तो बस ऊपर भव सागर में जो बेड़ा पार हो जाए। पेड़ एक डाला घना पंछी बैठा आए रात गई दिन उगी हो तो पंछी उड़ उड़ जाए अर्थात पेड़ एक यानी परिवार हो एक डाला घना परिवार शाखाओं फैले संसारी पेड़ एक डाला घना जय हो सा सोहेल साहब
धन्यवाद जनाराम जी। पेड़ एक डाला घना पंछी बैठा आए, एक परिवार मैंने है जो को आप कतरा जना जन्म लो अनेक है जो को मतलब क्यों कहते हो सो विधि का विधान ऐसा फले फूले परिवार। पेड़ एक डाला घना और पंछी बैठा आए मतलब पंछी यानी कि अपनी वन परिवार में जन्म ली लो अपो भी। पेड़ एक डाला घना पंछी बैठा आए, रात गई दिन उगियो और पंछी उड़ उड़ जाए, अर्थात अपरो समय पूरो हुओ और ऐ जको बड़ू अपनी उड़े ने यानी कि प्राण पंखी पर शरीर त्याग ने अपनी छोड़ दो वो परिवार अपनी छोड़ने पर जाओ। ये संसार विधि का विधान है मृत्यु लोग है साक्षात परमात्मा है रणछोड़ राम जी मजल धन्य हो साहेब हमारे पड़ोसी गांव हाँ रात गई दिन उगियो पंछी उड़ उड़े वणिज भाती है जो को आपा पर समय पूरो बितोइन वण परिवार मु हेंगे एक 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 करे ना पी हेंगे जणा जाता रहो इन वास्ते हस हस मीठो जग में बोलनो रे फिर मीणो लाना है सबरे हाते प्रेम और सद्भाव रेणो और क्यों है तरवर मुख से बोलियो और सुन पत्ता मारी बात। तरवर यानी कि पेड़ पेड़ ने तरवर है पर्यायवाची शब्द है एक शब्द है पर्यायवाची शब्द अनेक है जैसे कि सूर्यदेव है सूरज भास्कर दिनकर दिवाकर पतंग और रवि हे हैं गुरुजी भगवान जी सूर्य देवी जी पर नाम के अलग अलग नाम पर्यायवाची शब्द के नाम सूरज दिनकर दिवाकर पतंग रवि और भास्कर ए हैं नाम अनारे जी। तो तरवर पेड़ रो नाम तरवर पर्यायवाची शब्द है तरवर मुख से बोलियो और सुन पत्ता मारी बात पत्तो पत्ता वो करे रही हो अर्थात यानी कि मतलब अपो बुढ़ा पर मैंने बिस्तर में पड़िया पड़िया है जो को परिवार ने देख देख ने जो को अबे अपोरी समय पूरी बेवन आई है। तरवर मुख से बोलियो सुन पत्ता मारी बात अड़ घरे रही आ रीत है और एक आवत और एक हरो पतो आवे तेरे पीला पता ने तो जानी जानो है ये तो विधा विधि का विधान है। बीजाराम जी पटेल सा जय हो सा बीजाराम जी। एक आवत एक जात हरो पतो आयो पीला पता ने जानू रे मगर वो हरो पतो भी एक दिन पीला पतो क्यों उपड़ो नवो पतो पीलो पतो आए नवो पतो आए जेरे बने लाल लाल पीला पड़ने जे ये तो संसार का नियम है मृत्यु और जन्म ये चक्र तो चलता ही रहता है। अन कारणों संत महात्मा कोई क्यों है हसा हसा मीठो जग में बोलनो रे फिर मेड़ो लाना है। तो ऐसी संतों महापुरुषवारी बातों हैं सत्संग मैंने हरि कीर्तन में अबे अपर 9 बज गया है सत्संग दी टाइम रो समापन वेगो है संगत एक सागर है घणी आप जुदाई लेवर इच्छा नहीं वे मगर समय के अंदर बंधे हुए हैं समय का ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि अनेक फर्ज वे हमारा और भी हैं। सुजाराम जी पटेल और यूट्यूब रे मत मारा लक्ष्मण राम पटेल नामू अकाउंट खातो है अगर वन में भी अगर आप जाए हैं तो आप रो एक एक सिंगल सिंगल भजन है कम से कम 150 भजन वन में लगभग 150 भजन ऊपर सड़ा है आप है तो यूट्यूब में भी सिंगल सिंगल भजन है वे ओनली सिंगल अटले मतलब एक एक भजन अलग अलग एक भजन पूर्व वो वा क्लिक पूरी एक भजन पूर्व वो वा क्लिक आप आराम से करे भी है जो शांतिपूर्वक वन मैंने सिर्फ भजन नहीं वाले यूट्यूब और जिन्हें फेसबुक की करनी सुविधा नहीं वे मान लो कि कोई नहीं देखता वे तो वही प्रोग्राम सेम टू सेम है जो को भजन संध्या नॉमू है जो को यूट्यूब माते सड़ाऊ ताकि यूट्यूब वाला भी है जो को छजन कोई भी है जो को अन्न सहयोग ले सके कुछ लोग एडा मार जेड़ा वे जो को भाई के जो को फेसबुक नहीं है जो को मैं फेसबुक कदे नहीं है हाथ ही नहीं गाल तो फेसबुक रे मगर इच्छा वेगी कि अपन सत्संग करनी है तो यूट्यूब के जरिए की दी यूट्यूब के जरिए करे पन इच्छा वेगी कि फेसबुक माते भी है जो को अपन सत्संग करो ताकि ये जो को छजन काफी है जो को भाग ले सके तो यूट्यूब के जरिए भी आप है जो को लक्ष्मण राम पटेल नाम है जो को क्लिक करें आप है जो को भजन आप सुन सको
इनमें ने भक्तों न कोई लोभ है न लालच है, नहीं अपन नाम का दीवाना है, नहीं अपन दाम के दीवाने हैं। अपने जिंदगी का मकसद एक ही, परमात्मा का हरि का नाम सुमिरन सुख धाम, जगत में जीवना दो दिन का, परमात्मा रो नाम लो आहा आनंद बस। विठला 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 धन्य हो जाता। अरे संसारिक चीजों तो मड़े जो कोई तो नाशवान है, आनों ने कोई करो ये तो चीज एटीज रेवरी है, मगर साथ में यही चलने वाला है। मीरा भाई ने राणी जी वही क्यों तो के रजवाड़ो छोड़ियो थे, एडी हवेलियों बंगला छोड़िया ने थे, अन साधो रहोंगो कीधो, अन रविदास जटिया रहोंगो कीधो। मीरा भाई रे गुरु नाम रविदास जी तो अन्नो जटिया रो थे होंगो कीधो थे कोई मल्यो। मीरा भाई बने कतरो अच्छो उतर दीदो, पायो जी राणा जी मैंने राम रतन धन पायो। ये थारी राणा जी चीजों है के ये संसारिक चीजों है, ये नाशवान है, ये एक दिन खत्म वेवा वाली है। आज थोड़ो धनी है, काले अन्नो धनी कोई बीजो भाई, ये बिल्डिंग ये महल ये सब कुछ है, आ ठाकरे ही है। पहला थारे अटे बाप दादा था रजवाड़ा, वे था ठाकर, हमें थू बनियो थारी की ओर बाद में कोई दूजो आई। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मगर ये साथ में आने वाला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो सजनो भक्ति का आनंद एक आनंद। आ बूटी पीने देखो आहा हा आनंद ही आनंद है। तो अबे आप सत्संग री समापन री है, देखो टाइम बेगी है, क्यों कहो पे भूखो हाथ दे को नहीं, हमें एने पूछना पड़ियो कोई के अजी रेडी। तो अबे अजो को काले भी आरती करवा दी थी को नहीं, अबे अपरे आरती कर दो और सत्संग समापन है। देखो हर मिलिया तो आडे मार गया। प्रकाश भाई आपरी प्रसाद मिली जा ठाकुर जी का प्रसाद, दे हो धन्य हो आई आपरी मिठाई, धन्य हो ठाकुर जी ने प्रसाद सजा हो सा और हैं भक्तों ने बैठो। तो हर जी ने हर मिलिया तो आडे मार गया, पूजन ने धन्य हो जा। अरे पीछे मरीज रची में मारा पीर दीप दारिया, अरे घरे अजमल अब
वारे वाह कोई डांस की तो है बस तो मैं गोडलियो मंगा दी हो माँ गोडलियो मंगवाई दे माँ मने गोडलियो मंगवा रहे तो डांस की तो बचपन में मैंने ये तो बाबे मामा रे मारे तक जीत की दी थी माँ गोडलियो मंगे लेना तक कोई चीज अपन नहीं देती माँ जरा बिगड़ा बहुत बढ़ गया जीवन बहुत बढ़ गया माँ गोडलियो मंगवाई दे माँ मने गोडलियो मंगवा मंगवा दे माँ गोडलियो मंगवा
महावीर मारे लगे कैसे जिद की है ए मां मने घोड़ेलियो मंगा दे हां वो अपनी अवस्था वा किशोरी अवस्था री जिद देखो थे बड़ी सुंदर बिया करे वे वाक्य बड़ा सुंदर बिया करे वो वर्णन बड़ी सुंदर वे हरि हरि रे चरणों में बाटे हरि हरि भूले हरि रे चरणों में बाटे हरि हरि पीर की बोलो सनातन धर्म की वस्ती नगर की जति सती की बोलो राजेश्वर भगवान की बोलो खेताराम जी महाराज की बोलो भाई मात की जय हो भक्त और भगवान की जय हो रुद्रदेव की बजरंग बली की जय हो सा धन्य होशा अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो और सब आप सत्संग में पधार हुए संतों की भक्तों की जय होशा धन्य होशा आप सत्संग में पधार आप रो कीमती समय निकाल ने आप सत्संग में ने पधारिया बड़ो आप आभारी हूँ मैं मारे पाड़े कोई शब्द नहीं है मैं अज्ञानी हूँ माऊ वर्णन नहीं वे शब्द नहीं है जो आपको रो उपकार और आप रो सहयोग भरपूर है जो को मिले रही हो सा कमेंट देखू मैं तो बहुत ही मने है जो को मतलब उत्साहित हो जाए और अतरी इच्छा वे अतरी विचार है कि मतलब है जो को सत्संग आगे है जो को जारी और भी है जो को रखो और आगे बढ़ाता जो तो देखो अपनी टाइमिंग न भी है मगर आप रो प्रेम है तन मन तोड़ियो नहीं जाए भाईड़ा ने राम राम रे है कटोड़े बबड़ू तो ऐसी सच्ची भावना से आप सब जना मिले ने आप ये देखो भगवान की भक्ति करो धन्य हो संतो अबे मारो आपने एक बार और परिचय करवा दूं लक्ष्मण राम सनोप गणेश जी मारे पिताजी रो नाम है गांव है कमो का बाड़ा नियर समदेड़ी तहसील समदेड़ी लागे सा मारे जिला बाड़मेर समदड़ियों 5-7 किलोमीटर रही है दूर और वर्तमान में मुंबई पनवेल हूं लक्ष्मण राम पटेल रे फेसबुक अकाउंट हूं खाता भी सत्संग लाइव वे अबे मैं आपने सत्संग री समापन रो इजाजत हूं अगर कोई भूल हुई वे बोलवा में हुणवा में केवा में अगर कोई भूल चूक हुई वे तो नादान बाल खमज ने माफ कर दे जो और हमें सारे भातियों पर ही 6:30 बजे सत्संग चालू वे समस्त भक्तगण और ज्यादा से ज्यादा अण सत्संग गंगा गोमती काशी प्रयागा आ परमात्री जाजम में ये परमात्रा नौ में ये हरिगुण है संतो इसमें आनंद ही आनंद है ज्यादा हूँ ज्यादा है देखो अपर छजन भाई सहन अपर कोई यार दोस्त वगैरह जो भी वे उन्होंने भी कणों सत्संग में ने आपकी जितने भी समय एडजस्ट वे वतरी भी है जो को सत्संग में ने जो को भाग है जो को ले वो संतो हाथे कुछ भी हलवर नहीं है संसारिक जीवन रो तो अपन फर्ज करना ही पूरा मगर इन हाथे हाथे है जो को थोड़ा थोड़ा अपर सत्संग करो तो अपर है जो को अपर जीवन में अपन प्रेरणा मिले अबे मारी वाणी ने
विराम दूं, भूल सूक गया तो दोबारा माफी सहूं, और अबे ये जो को आप भी ये जो को पधारो, आपरे घरे भी बाल गोपाल ये जो को इंतजार करता वेला, क्यों भोजन प्रसाद री टाइम वेगी है कि भाई पापा सत्संग में बैठा है, वे आवे तो भोजन प्रसाद करो, तो अबे ये जो को आप भी ये जो को पधारो, ठाकुर जी रो प्रसाद है जो को ग्रहण करो, और मैं भी है जो को अबे है जो को भोजन प्रसाद लो। बोलो सियावर राम चंद्र भगवान की जय हो, बोलो गौ मात की जय हो, बोलो धरती मात की जय हो, बोलो रे बेलिया अमृत वाणी हर हर महादेव। बम बोले जय हो सा, धन्य हो सा।